मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के अंतरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों के खाते में 12,72,00,000 रुपए का भुगतान किया। 1 जून से 15 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों किसानों भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,40,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4,79,00,000 रुपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया। गौठान समितियों को 4,67,00,000 रुपए और महिला समूहों को 3,26,00,000 रुपए की लाभांश राशि का मुख्यमंत्री ने भुगतान किया। आप सभी को रथ यात्रा के बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आज गोधन न्याय योजना के राशि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित आशीष रश्मि सिंह जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय एसीएस सुब्रत साहू जी, प्रसन्ना जी, हमारे विधायक साथी भाई पुरुषोत्तम जी, चक्रधर जी, डॉक्टर के ध्रुव जी, मोहित करकट्टा जी, पुरुषोत्तम जी, केपी सिंह जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, इस साल मानसून विलंब से आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल भी प्रदेश में अच्छी बारिश होगी, इस साल भी भरपूर फसल होगी। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बरसता रहेगा। इन दिनों प्रदेश में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, लू भी चल रही है। मेरी आप लोगों से अपील है, आप स्वयं को और अपने बच्चों को लू से बचाएं। अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर सभी तरह से एहतियात बरतें। बारिश में देरी होने से किसानों की चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हर कदम पर हमारी सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है। मैंने सभी विभागों से कहा है कि हर तरह से तैयारी रखें, खेती किसानी के काम में किसानों को किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और भरपूर बारिश होगी। आज रथ यात्रा के अवसर पर मैंने भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा को बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। इस विशेष अवसर पर आज पशुपालकों, किसानों, स्व सहायता समूहों के सदस्यों और गौठान समितियों को गोधन न्याय योजना की एक और किस्त जारी की गई। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज 12,72,00,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इस राशि में 1 जून से 15 जून तक के गौठानों में खरीदे गए 2,40,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4,79,00,000 रुपये, गौठान समितियों को 4,67,00,000 रुपये और महिला समूह को 3,26,00,000 रुपये के लाभांश राशि शामिल है।